नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार रात्रि में 1:20 पर सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और सिंह राशि में अगले एक माह तक यानी 16 सितंबर 2021 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है, तो जानकारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस एक माह की समयावधि में मूल त्रिकोण राशि स्वराशिगत होकर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या संभावनाएं लेकर आ रहे हैं, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बताया गया फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य को सभी ग्रहों में सर्वोच्च ग्रह का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य राजा हैं, सातुर्य ग्रह हैं, अग्नि और क्षत्रिय ग्रह माने जाते हैं, अग्नि तत्व प्रधान हैं। सूर्य यदि जन्म कुंडली पर बली हो तो व्यक्ति में आकर्षण क्षमता होती है, व्यक्ति में तेज होता है। ऐसा जातक सम्मान प्राप्त करने वाला, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर सफलता अर्जित करने वाला होता है। जन्म कुंडली का दर्शकों जब अध्ययन किया जाता है उसमें किसी व्यक्ति का आत्मबल, मनोबल, सम्मान, सरकारी क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी या नहीं होगी, यह सारी स्थितियां सूर्य को देखकर ही जाना जाता है। सूर्य का यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित प्रभाव होता है तो सबसे पहले मान सम्मान में कमी, पिता से संबंध खराब होने लगते हैं, सरकारी क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिलता है, साहस में कमी, उत्साह में कमी, यानी कुछ समय के लिए उत्साह अप होना, कुछ समय के पश्चात डाउन होना, ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। वहीं हड्डियों से संबंधित रोग, आंख से संबंधित समस्या, पीलिया, चर्मरोग भी समस्याएं सूर्य देव के द्वारा ही देखने के लिए मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। मकर राशि वाले जातकों की अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव राशि के अष्टम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। राशि के अष्टम भाव से मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में, आयु के बारे में, दुख के बारे में, कॉमन सेंस के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्यदेव का गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि राशि के अष्टम भाव में मौजूद सूर्यदेव सप्तम दृष्टि से आपके राशि के द्वितीय भाव को देख रहे हैं और राशि के द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन, मुख, वाणी और परिवार के बारे में विचार किया जाता है। तो स्वराशिगत होकर सूर्यदेव मकर राशि वाले जातकों के मनोबल और व्यक्तित्व में आकर्षण लाने वाले हैं, मनोबल को बढ़ाने वाले हैं, जिससे मकर राशि के जातक कठिन से कठिन कार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य को भी आसानी से हल कर सकते हैं। क्रोध में बढ़ोतरी जरूर देखने के लिए मिल सकती है, यहाँ पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना है। आप अपने जीवन में परिवार और आराम क्षेत्र की वस्तुओं के लिए धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे और इस गोचर काल के फल स्वरूप मकर राशि वाले जातकों को एक से अधिक माध्यम से धनार्जन होने की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले जातकों का सामाजिक पारिवारिक दायरा बढ़ेगा, सम्मान की प्राप्ति इस समयावधि में होती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में ऐसे जातक जो मकर राशि के जातक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके ध्यान, उग्रता और मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे आप शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं।
मकर राशि के जातकों का परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ का वाद विवाद भी हो सकता है, इस पर आपको पूर्ण रूपेण सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको विनम्र होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, जिसको आप जरूर सूर्य गोचर के फल स्वरूप कर सकते हैं। तो सबसे पहले रविवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव से जुड़े हुई चीजों का दान करना उत्तम रहने वाला है, जैसे गेहूं, तांबा, गुड़, सोना, केसर, कस्तूरी, खांड, इन चीजों का दान आप कर सकते हैं। पिता से अपने संबंध को बेहतर जरूर बनाए रखें। सूर्य के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना और सूर्य नमस्कार करना उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।